एनपीटीईएल के सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स के वीक वन के असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो इसका ड्यू डेट है वो 9/8/2023 है। आपका ड्यू डेट और टाइम जो दिया हुआ है 11:59 का टाइम जो है वो लैग लाइन दिया हुआ है। इसके पहले आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद आप असाइनमेंट जो है वो नहीं सबमिट कर सकते हैं। और वीक वन में जैसे असाइनमेंट अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर में बेसिकली क्या है, आपके जो है क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो आपके टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 15 जो है वो क्वेश्चन जो आपके जो वो दिए हुए हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके जो है वो इसके अंदर में जो गिवेन है, और इसमें से पहला क्वेश्चन है जो है सॉइल हेल्थ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिजिकल एट्रीब्यूट से, फिर केमिकल एट्रीब्यूट से, फिर बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट से, या ऑल ऑफ दिस से। चार ऑप्शंस इसके जो है वो रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं। सॉइल हेल्थ को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटी और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं जो फिजिकल एट्रीब्यूट से भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, केमिकल एट्रीब्यूट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट से भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, दैट इज डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, पहले क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, दैट इज द डी हमारा राइट आंसर है। फिर उसके बाद में हम द टर्म सॉइल फर्टिलिटी को जब हम डिफाइंड करते हैं, जब हम सॉइल फर्टिलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए हम लोग हमारे पास में है द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस प्लांट्स अंडर स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट, और फिर कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू फंक्शन एज अ रेगुलेटर ऑफ वाटर सप्लाई। तो इसके अंदर में आपको जो है वो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में से आपके पास में जो ऑप्शन हैं, जो राइट ऑप्शन हैं, वो है आपके पास में ऑल ऑफ दिस। दैट मीन्स जो कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू हो गया, सॉइल फर्टिलिटी के लिए हमारे पास में क्या है, ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखता है कि सॉइल प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। सॉइल फर्टिलिटी क्या हमारा, सॉइल फर्टिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, जिसके अंदर में इंक्लूड करता है सॉइल फर्टिलिटी, फिर उसके बाद में क्लाइमेटिक कंडीशन, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ दिस। तो चार इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। तो चार ऑप्शन में आपके पास में बेसिकली क्या है, सॉइल फर्टिलिटी है। सॉइल फर्टिलिटी के साथ साथ आपके पास में क्या है, आपका क्लाइमेट कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशंस के साथ साथ आपके पास में क्या मैनेजमेंट है, और ऑल ऑफ दिस है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि डैश वाज द फर्स्ट टू एक्सप्रेस द यील्ड एज ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द गिवन ग्रोथ फैक्टर व्हेन ऑल द अदर फैक्टर्स केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, यहाँ पे ए बी हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, और इसके जो ऑप्शन दिए हुए है आपका मिक्सचर लिच वॉन लेबिग लिबिग और जेनी, और उसके बाद में वैलेस जो है, ये चार ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं, और इसके राइट आंसर जो है आपके पास में है वो है वॉन लेबिग। ये आपके जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर चार के लिए। एक आपके पास में दिया हुआ है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जो दिए हुए है, इस न्यूमेरिकल के अनुसार से आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें जो है लॉ ऑफ मैक्सिमम जो है क्वेश्चन फाइव के लिए जो है वो डिफिसिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। फिर आपके पास में एक ऑप्शन है कि कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आर नोन एज डैश न्यूट्रिएंट्स। आपके पास में क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर जो है वो जाने जाते हैं डैश न्यूट्रिएंट्स। तो आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो और ट्रेस, या नन ऑफ दिस। तो इसके जो है राइट चार ऑप्शन में से हमारे पास में जो राइट ऑप्शन है दैट इज योर सेकेंडरी जो हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स इसको जब वो पाए जाते हैं। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है डैश इज कंसिडर्ड ए क्वासी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स बिकॉज इट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड एसेंशियल फॉर ऑल प्लांट्स बट मे बी बेनिफिशियल फॉर मेनी। अब क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि डैश इज कंसिडर्ड एक ऐसा एलिमेंट जो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, इट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड एसेंशियल फॉर प्लांट बट मे बी बेनिफिशियल फॉर मेनी। मैंने जरूरी नहीं है कि वो सारे पौधे के लिए जो है वो एसेंशियल है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है,
बट बेनिफिशियल है बहुत लोगों के लिए, जैसे जिंक ऑप्शन है, सिलिकन है, सोडियम है, वैनेडियम है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज योर सिलिकन जो है वो हमारा क्वासी एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट्स के लिए। फिर उसके बाद में आठ नंबर क्वेश्चन कहता है, आठ नंबर क्वेश्चन में कहता है कि डैम्स हेल्प मेक प्लांट्स मोर ड्रॉट रेसिस्टेंट एंड हार्डी, स्पीड अप मैच्योरिटी, हेल्प सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट्स रूट ग्रोथ। अब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक। चार ऑप्शंस में से इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो राइट सब्स्टिट्यूट है दैट इज जो फास्फोरस जो है वो प्लांट्स को मोर ड्रॉट रेसिस्टेंट और हार्डी बनाता है, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, हिडन हंगर रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए क्रॉप। हिडन हंगर जो है वो रेफर करता है, रेफर टू ए सिचुएशन इन विच ए क्रॉप, किस फसल में हिडन हंगर जो है एक सिचुएशन, एक अवस्था जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ऑप्शंस है, नीड मोर ऑफ ए गिवन न्यूट्रिएंट येट हैज शोन नो डिफिशिएंसी सिम्टम्स, नीड मोर ऑफ ए गिवन न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी हैज शोन डिफिशिएंसी सिम्टम्स, एब्जॉर्ब्ड ए गिवन न्यूट्रिएंट्स इन अमाउंट्स हायर देन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम यील्ड, या ऑल ऑफ दीज। अब इसमें जो है आपके पास में हिडन हंगर रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए क्रॉप नीड्स मोर ऑफ ए गिवन न्यूट्रिएंट येट हैज शोन नो डिफिशिएंसी सिम्टम्स, ये आपके राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। फिर कहता है, रेडिश पर्पल मार्जिन स्पेशली ऑन यंग लीव्स आर ड्यू टू डैश डिफिशिएंसी। अब रेडिश पर्पल मार्जिन जो है यंग मैंने एकदम उभरा हुआ पत्ते जो होते हैं उन पत्तों के ऊपर में रेडिश पर्पल मार्जिन अगर डेवलप होता है किसकी डिफिशियंसी के कारण से, क्या नाइट्रोजन के कारण से, फॉस्फोरस के कारण से, पोटेशियम के कारण से, या बोरोन के कारण से, तो इसके चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है दैट इज योर फॉस्फोरस। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इन एन एग्रीकल्चर फील्ड गैसियस लॉसेस टू एटमॉस्फेयर ऑफ डिफरेंट इन फॉर्म्स मे ऑकर फ्रॉम थ्रू द प्रोसेस। इसको चार हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, वोलेटिलाइजेशन, डेंट्रिफिकेशन, मिनरलाइजेशन या वोलेटिलाइजेशन और डेंट्रिफिकेशन। चार ऑप्शंस में से इसके जो राइट आंसर है वो आपके पास में है, वोलेटाइल वर्ड से ही है, वोलेटिलाइजेशन और डेंट्रिफिकेशन जो है वर्ड जो है इसके लिए राइट आंसर है, थ्रू द प्रोसेस वोलेटिलाइजेशन एंड डेंट्रिफिकेशन। फिर है आपका 12 नंबर जो है क्वेश्चन है, द एक्सचेंजेबल आयंस डैश एंड डैंस डोमिनेट इन सॉइल ऑफ लॉ रेनफॉल एरिया, Fe3+ Al3+CA2+Mg2+CA2+Na+ बोथ ए बी एंड सी। अब इसके जो एक्सचेंजेबल आयंस जो इसके ऑप्शन जो है वो बोथ बी एंड सी आपके जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि इन केस ऑफ फॉस्फोरस द डोमिनेंट सप्लाई मैकेनिज्म इज डैश। अब जो फॉस्फोरस मीन्स जो मैकेनिज्म जो है सप्लाई मैकेनिज्म फॉस्फोरस के लिए, तो रूट इंटरप्रिटेशन है, मास फ्लो है, डिफ्यूजन है, या नन ऑफ दीज है, तो इसमें जो आपके पास में क्या डिफ्यूजन प्रोसेस जो है हम इसके अंदर में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अमंग द टू क्लासेस ऑफ एटीपी ड्रिवन प्रोटोन पंप्स, टोनोप्लास H+- ATP पेज आर डैश। वास्तविकता में मैं कहूँ तो इस क्वेश्चंस के आंसर्स को बाद में आपको इस वीडियो के माध्यम से या चैट बॉक्स में आपको इसके जो है आंसर जो एग्जैक्ट जो है वो बता दिया जाएगा, क्योंकि इसकी मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, जानने की भी कोशिश की, अभी तक मुझे इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिला है, लेकिन यथाशीघ्र मैं जो है क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब भी जो है वो डाल दूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल विद सीएन रेशियो बिटवीन डैश टू डैश रिजल्ट्स इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। अब इसमें कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कि सीएन रेशियो कितना होना चाहिए जिससे कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आपका मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन भी ऑकर्ड हो के, तो इसका ऑप्शन ये है 5, 10, 40, 50, 10, 15 या नन ऑफ दीज जो है इसके जो वो ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसके राइट आंसर है नन ऑफ दीज इसके अंदर में जो वो लाइक करते हैं। तो ये आपके जो है वो सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स के असाइनमेंट वीक 1 असाइनमेंट के सोल्यूशन जो है वो मैंने देने की कोशिश की है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसके सारे जो है मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये मेरा एक प्रयास है जिसमें आपको सटीक सोल्यूशन देने के जो वो मेरा एक प्रयास है। इसके अंदर में आप कंटेंट को पढ़ें, कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ आप अपने अनुसार से जवाब को भी जो वो चूज कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।